दोस्तों, अभी तक अगर आपने मामल बोनसाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको मैसेज मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बोनसाई फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, काफी क्वेरी आई थी कि जो आप अपने गार्डन का ओवरव्यू दीजिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैंने जो प्लांट्स है मेरे वो सभी ऐसी जगह पे रखे हुए हैं, यानी कि उनको अच्छे से डिस्प्ले नहीं किया हुआ, तो इसी कारण जो है मैं जो ओवरव्यू नहीं दे रहा, क्योंकि प्लांटों की जो शेप है वो आपको पता नहीं चलेगा कि कैसी शेप है। लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों ने कहा कि जो आप ओवरव्यू दीजिए, तो चलिए कुछ प्लांट मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सामने जो आपको प्लांट दिख रहे हैं ये गुलदावरी के हैं, जो हमने मंदिर के एरिया से लाकर यहाँ पे लगाए थे। काफी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और इनको हम जुलाई में जो है अलग अलग जगह पे लगा देंगे। एक यहाँ पे एक स्नेक प्लांट है और यहाँ पे अगर देखेंगे तो इनके बीच में ही जो ये प्लांट है ये इमली का है, जो मैंने सीड से ग्रो किया था। सामने ये अरबी का है, ये एक बार इसने जो जलना स्टार्ट कर दिया था उसके बाद ये दोबारा से रीग्रो किया है। और अब इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पे छोटे छोटे इसके जो बेबी प्लांट है वो ग्रो कर गए हैं तीन चार। उससे यहाँ पे जो हमने पुदीना लगाया था वो है इस पॉट के अंदर, ये देखिए। इसको मैं जमीन में लगाऊंगा ताकि अच्छे से फैल जाए, हालांकि मेरे पास पुदीना जो है वो पहले से ही है। अगर यहाँ पे देखें तो इन प्लांटों के बीच में मैंने एक जो एरो हेड का जो प्लांट है वो रखा हुआ है। वैसे ये इंडोर प्लांट है, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे रख दिया क्योंकि यहाँ पे एक तो ठंडक होती है, क्योंकि नजदीक जो पानी की टंकी है तो यहाँ पे पानी आता रहता है, तो इसको जो नमी है वो मिली रहती है। साथ में ऊपर से एक बड़ा ट्री है जिसकी छाया इसको मिलती रहती है। सामने ये एक पापड़ी का ट्री है जिसको मैंने एक पॉट के अंदर शिफ्ट किया हुआ है। अगर यहाँ पे आप देखिए तो एक किकर है जो हमने लगाई थी, इसकी मोस्टली सभी जो ब्रांच है वो ड्राई हो गई है, लेकिन फिर भी कुछ ब्रांच जो अभी ग्रीन है तो देखते हैं सर्वाइव करता है या नहीं। अगर यहाँ पे देखे तो ये एक कैजरिन है जो कि हम दिल्ली से लेके आए थे मनोज जी से। ये हमारी ब्राजीलियन रेन ट्री है, ये देखिए बोनसाई के लिए काफी अच्छी है। ये हमारा प्रेमनगर ट्री है, इसकी और कटिंग में लगाऊंगा इस बार। दोस्तों, ये हमारा मैंगो का ट्री है जो इस पॉट में हमने लगा रखा है और इसकी जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो गई है। ऊपर देखें तो काला सिरस है, यहाँ पे अपरजीता है जिसकी बेल मैंने यहाँ पे देखिए जाल के ऊपर लगा दी है, अभी जाल पे फैल जाएगी जैसे मॉर्निंग ग्लोरी की फैली है वैसे ही। ये एक बुगनविला का ट्री है जो हमने इस पॉट में लगा रखा है। यहाँ पे देखे तो कुछ मैंने जो कटिंग लगाई थी फाइकस की, देखिए कितने अच्छे से ग्रो कर रही है। ये काफी छोटी थी, अब इसने जो ब्रांच है वो निकालनी स्टार्ट कर दी है। ये एक सफलेरा का प्लांट है जो हम हिसार से लेके आए थे डॉक्टर विवेक जी से। एक यहाँ पे भी जो मैंने कटिंग लगाई थी फाइकस की, और जिसको मैंने देखिए पहले से इसके अंदर जो वायरिंग करके इसको शेप दे रखी है ताकि यहीं पे अच्छे से इसकी थिकनेस बन जाए, उसके बाद हम इसको पॉट में शिफ्ट कर सके। सेम ऐसे एक यहाँ पे है। और दोस्तों, यहाँ पे जो पत्तियां आपको दिख रही है एक्चुअली में यहाँ पे एक सीसम कट रही है ऊपर, जिसकी वजह से आपको इस तरह से यहाँ पे जो पत्ते पत्ते चारों तरफ दिखेंगे, जिनकी वजह से जो प्लांट है वो छुप जाते हैं। वैसे ये पत्ते मल्चिंग का काम भी करते हैं। वहां पे अगर आपको दिख रहा होगा तो वहां पे एक कालंचो का प्लांट है। सहतूत जो है यहाँ पे काफी ग्रो कर जाते हैं, देखिए सीड से, क्योंकि जो बड़े ट्री के ऊपर जो बर्ड्स है वो आते हैं, तो जब वो फ्रूट खाते हैं तो नीचे सीड्स जब नीचे पड़ते हैं तो वो यहीं पे ग्रो कर जाते हैं। यहाँ पे भी कुछ कटिंग जो फाइकस की लगाई थी जो काफी बड़ी हो गई है, मैंने काफी टाइम से इनको देखा नहीं है। यहाँ पे देखे तो एक हारसिंगा का प्लांट जो हमने लगाया था, देखिए इसकी ग्रोथ काफी स्लो है लेकिन हो जाएगा ये भी धीरे धीरे। और यहाँ पे अगर देखे बैक साइड में प्लांटों के तो यहाँ पे कुछ मौसमी के जो सीड्स हमने लगाए थे वो हैं, काफी बड़े बड़े हो गए हैं। इनको इस बारिश के सीजन में हम रिपोर्ट कर देंगे। ये क्रिसमस ट्री का है एरो के लिए का प्लांट। इस साइड भी कुछ जो गुलदावरी जो हमने लगा रखी है वो है, इसके बीच में एक एरो के एरिया का प्लांट है। ये बनाना का ट्री है, देखिए जो हमने जो मंदिर का एरिया था वहां पे ये मंदिर से निकाल के फेंक दिया गया था, तो हमने इसको सेव कर लिया था। देखिए काफी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और इस साइड कुछ बड़े बड़े ट्री है, ये एक तरह से जंगल जैसा एरिया हो गया है। इतनी दूर तक का जो एरिया है ये जंगल जैसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो प्लांट है वो मैंने बड़े किए हैं, यानी कि जो प्लांट हमने
जो प्लांट मैंने बोनसाई के लिए लगाए थे वो काफी बड़े हो गए हैं, तो इनको हम यहाँ से रिपोर्ट करना होगा हमें। लेकिन ये मैं या तो बारिश के सीजन में करूंगा या फिर जो फरवरी का सीजन आएगा उस टाइम पे। ये बोटल ब्रश है जो हमने एयर लेयरिंग करके तैयार की थी। इसके साथ में इस टोकरी के अंदर आपको याद होगा हमने जो पीली कनेर है वो सीड से ग्रो की थी। देखिए कितना बड़ा ट्री हो गया है और इस पे जो फ्लोरिंग है वो काफी आ चुकी है। अभी भी अगर देखेंगे तो इस पे देखिए कुछ बर्ड्स हैं, कुछ बर्ड्स यहाँ पे हैं, तो ये भी काफी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। अगर इसके साथ में यहाँ देखिए तो पत्थर पर हमने एक पीपल लगा रखा है जो कि अब ग्रोथ उसने स्टार्ट कर दी है। इसकी जो वायरिंग है वो आज मैं निकाल दूंगा क्योंकि उसने काफी क्वेरी आती है कि वायरिंग कब निकालनी चाहिए। देखिए आप इस तरह से चेक करते रहिए, जब आपको लगे कि जो वायर है वो प्लांट के अंदर धसने लग रही है तो उसको रीवायर कर दें। ये देखिए वायर इसके अंदर इस तरह से धसने लगती है तो इसको हमें रिमूव करना होगा। तो इस तरह से इसको हम रिमूव कर देंगे, अदरवाइज जो ब्रांच है वो खराब हो जाएगी। और इसको भी मैं थोड़ा प्रून भी करना पड़ेगा तभी इसकी जो शेप है वो अच्छी आएगी। ये देखिए ये मैंने कर दिया है, बाकी मैं वीडियो के बाद ये कंप्लीट जो है वो इसकी वायरिंग जो है वो निकाल दूंगा। यहाँ पे अगर देखिए तो ये गूगल का ट्री है, यहाँ पे एक आंवला का ट्री है, ये हमारा अर्जुन का ट्री है, ये जो बड़े बड़े ट्री है ये हमारे गुलमोहर के हैं जिनको हमने एज ए बोनसाई ग्रो करने के लिए यहाँ पे लगाया हुआ है। एक ये हमारा पॉपुलर का ट्री है, इसको मैंने कुछ दिन पहले यहाँ से पूर्ण कर दिया है क्योंकि काफी बड़ा हो गया था। और इसकी जो हल्की सी शेप है वो मैंने पहले ही वायरिंग से दे रखी थी। अब इनकी जो दो ये ब्रांचे हैं, एक ये मैं रिमूव कर दूंगा और ये जो ब्रांच है ये रखूंगा और इसको हम शेप दे देंगे इस तरह से। अगर पीछे की साइड देखें तो ये जो केजुरिन है, दो केजुरिन बड़े बड़े, ये हमने लगाए थे शायद एयर लेयरिंग या कटिंग से। एक ये हमारी बुगनविल है, ये बुगनविला मेरी फेवरेट है, इसकी जो पत्तियां काफी अच्छी आती है, दिखने में काफी अच्छा लगता है प्लांट और बोनसाई के लिए काफी सुटेबल है ये। और यहाँ पे देखिए तो ये नीचे एक ड्रेसिना का प्लांट मुझे किसी ने दिया था, हमारे एक सब्सक्राइबर है महेंद्रगढ़ गई उन्होंने। और ये एक इमली का ट्री है, इसकी जो ब्रांच है वो ग्रोथ कर रही है, अब इस पे जो वायरिंग है वो मैं कर दूंगा। ये एक यहाँ पीपल का ट्री है, इसकी भी अपडेट किसी ने कहा था कि इसकी अपडेट दिखाइएगा। इसको मैं जमीन में रखा हुआ है और इसकी जो रूट्स है वो जमीन में जा चुकी है। दोस्तों ये एक मलबेरी का है जिसको हमने जो ग्राउंड में जो वायरिंग कर रखी है और इसको हल्की शेप दे रखी है, तो इसको भी हम रिपोर्ट करेंगे यहाँ से निकाल के। एक ये पॉपुलर का है जिसपे मैंने वायरिंग कर रखी है। और दोस्तों इस एरिया में इतना ही है, यानी कि जो जंगल टाइप में जो बन रहे हैं इसके अंदर काफी बड़े प्लांट है, छोटे प्लांट इसके अंदर नहीं है। कुछ मैंने जो प्लांट्स थे वो आपको दिखा दिए। एक यहाँ पे जो बर्गर का ट्री है, जो बनियन का ट्री है वो है जिसको हमने लास्ट ईयर लगाया था कटिंग से, जो कि अच्छे से ग्रो कर रहा है। अब हमारा जो ये एरिया आता है जिसके अंदर हमने लास्ट ईयर जो कि क्यारिया बनाई थी, इसमें भी सेम ऐसे हुआ। यहाँ पे क्या जो घास जो है वो बहुत जल्दी ग्रो करती है। मैंने इस क्यारे की घास दो दिन पहले निकाली, आपको वहां पे इसका ढेर दिख रहा होगा और एक ढेर आगे है, तो आगे की जगह भी मैंने साफ कर दी है। अब धीरे धीरे मैं इनको भी साफ करूंगा। इनमें से कुछ प्लांट जो है वो मुझे निकालने हैं जिनका टाइम हो चुका है, उनको मैं निकाल दूंगा और जो बाकी है उसको हम रखेंगे। ये हमारा एनआरबी का प्लांट है और इसके साथ में अगर यहाँ पे देखें तो जो बटन रोज है वो है जो हमने पॉट में लगाया था, काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसने काफी अच्छे से जो फ्लोवरिंग है वो भी की थी। यहाँ पे अगर देखें तो एक एयर लेयरिंग से हमने जो फाइकस है वो तैयार किया था, ये छुपा हुआ है, इसको हम एज ए बोनसाई ग्रो करेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो काफी यहाँ पे पानी आता है क्योंकि साथ में से पानी बहता है, तो आज मैं थोड़ा सा उसको बंद करूंगा क्योंकि ज्यादा वाटरिंग से जो प्लांट को प्रॉब्लम हो सकती है। ये एक हमारी ब्रिजनल रेन ट्री है जो मैं ग्राउंड में ग्रो कर रहा हूँ। इसकी जो थिकनेस है वो आप देख सकते हैं, काफी थिकनेस इसकी बन चुकी है। इसकी कटिंग या एयर लेयरिंग हम करेंगे इस सीजन में। दोस्तों यहाँ पे एक टमाटर का प्लांट है जो हमने स्पॉट में लगाया था, ये कुछ जेड है जो काफी वाइल्डली ग्रो कर रहे हैं। एक जेड यहाँ पे जो मैं कैस्केड की तरह स्टाइल उसकी बना रहा हूँ, ये देखिए ऑटोमेटिक इसकी जो कैस्केड स्टाइल बन रही है, तो उसको जो कैस्केड में ट्रांसफर करेंगे तो ये और अच्छा लगेगा। यहाँ पे एक ये फाइकस ट्री है जो हमें राजा राम जी ने दिया था। यहाँ पे एक और जेड है जो उस पॉट में लगा हुआ है, ये एक फाइकस है। ये फाइकस मोस्टली मर चुका था जैसे कि आप देख रहे हैं। इसकी जो ये मेन रूट्स है, सिर्फ रूट्स में रूट से ये जो ब्रांच है बाहर आई है। ये एक हमारा जो पिलखन का है, ये यहाँ पे एक गुड़ैल का है। यहाँ पे अगर देखें देखिए जेड है दोस्तों, ये सभी इसी तरह रखे हुए हैं एक जगह पे, तो इनकी जो शेप है वो आपको नहीं दिखेगी। ये एक हमारी चांदनी का है,
एक ये हमारा जो मामे बोनसाई है वो मैंने बना रखा है, आपको याद होगा काफी टाइम पहले हमने स्टार्ट किया था इसको। इसको ऐसे रखा हुआ है मैंने एक फाइकस पांडा की पोट में। एक फाइकस पांडा यहाँ पे है, ये देखिए, एक फाइकस यहाँ पे है, ये देखिए। इनकी शेप आपको अभी नहीं दिखेगी, ये एक पीपल का ट्री है। पीपल के ट्री के पीछे अगर आप देखें तो कटिंग से हमने जो गुड़ैल तैयार की थी वो है। इसकी थिकनेस देखिए काफी है। उसको एक ये टाइगर बार्क है जो हम दिल्ली से लेके आए थे, देखिए इसकी जो ग्रोथ है काफी अच्छे से हो गई है इसकी। अब जब बारिश का सीजन आएगा तब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको मैं शेप दूंगा, लेकिन इसके लिए मैं वायर जो है तांबे की वायर देख रहा हूँ, तांबे की वायर मुझे मिल जाती है तो वो इस पे मैं ट्राई करूंगा। ये कैक्टस प्लांट है जो यहाँ पे जंगल में मिल जाता है इजिली, तो वहां से मैं एक छोटा सा टुकड़ा लेके आया था, देखिए काफी बड़ा हो गया। ये हमारे मॉर्निंग ग्लोरी की है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था काफी अच्छे से ग्रो कर रही है। दोस्तों आगे के जो प्लांट है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाता हूँ। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।